तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको टच कराता हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपनी पाल पे इसको लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बटन, ओह शिट दोस्तों, यहाँ पर इसने मुझे अच्छा खासा शॉक दे दिया है। तो यहाँ पर मैं टॉर्च फीचर भी आपको इसका दिखाना चाहता हूँ कि टॉर्च फीचर कैसे यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉर्च फीचर भी इसका होने वाला है। सो हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट, जिसका कि आपको काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो सेल्फ डिफेंसिव को आपने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लाइक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 लाख के करीब व्यूज़ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग गैजेट लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है दोस्तों टीज़र गन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की गन होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की टीज़र गन होने वाली है। कलर ऑप्शंस इसके अंदर ब्लैक ही मिलेगा दोस्तों, CNC मेटल आता है कंप्लीट दोस्तों। यहाँ पर मेटल नहीं है, एक एल्युमिनियम का एक टाइप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बॉक्स के अंदर आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर ये चार्जिंग केबल, साथ ही आपको मिलने वाला है यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप के अंदर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इसको आगे और पीछे की तरफ से देख सकते हैं, पॉज करके आप इसके स्पेसिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलने वाला है एक कैरिंग केस। तो ये कुछ इस तरीके का कैरिंग केस होने वाला है। अंदर बॉक्स के अंदर वो कुछ नहीं मिलता है, तो चलिए मैं साइड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास और दोस्तों प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक केस के अंदर रहता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर दोस्तों। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ से यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन दोस्तों सेफ्टी फीचर एक तरीके का। उससे पहले मैं कुछ दिखाऊँ आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ इसके टॉर्च। तो यहाँ पर इसके अंदर फीचर मिलने वाला है एक टॉर्च का। तो यहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस के अंदर आपको लग रहा होगा दोस्तों एक टॉर्च है, बट दोस्तों ये टॉर्च के साथ एक यहाँ पर शॉकिंग गन भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप आगे की तरफ से देख सकते हैं, आगे की तरफ दोस्तों ये प्लेट जो लगी हुई है ये शॉकिंग प्लेट्स हैं। आप दोस्तों इसको किसी को शॉक देने के लिए अंदर यूज़ कर सकते हैं जब आपके ऊपर दोस्तों कोई अटैक कर रहा हो। तो यहाँ पर पीछे की तरफ से सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ, बट काफ़ी दोस्तों दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि काफ़ी अंदर की तरफ है। अब आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये होने वाला है पुश बटन, जिससे कि हमारी जो शॉक मशीन है वर्क करने लग जाएगी। मैं सबसे पहले आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी वियर्ड साउंड है दोस्तों इसका, मतलब अगर आप सडन इसको कहीं भी प्रेस कर देंगे तो सामने वाला बिल्कुल चौंक जाने वाला है। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं आगे की तरफ से जो लाइट ग्रिम कर रही है, ये दोस्तों शॉक देने के काम आती है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा अपने ऊपर शॉक देके कि यहाँ पर ये कैसे वर्क करने वाली है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने पाल पे इसको लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बटन पर, ओह शिट दोस्तों, यहाँ पर इसने मुझे अच्छा खासा शॉक दे दिया है। मुझे लगा था कि यहाँ पर कंडक्टिविटी पाथवे पूरा नहीं होगा, बट वो कम्प्लीट हो चुका था और मैंने शॉक खा लिया है अच्छा खासा एक। तो यहाँ पर मेरा दोबारा शॉक खाने की हिम्मत नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार शॉक देके। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, एक एक इलेक्ट्रिक पाथवे है वो कितना ज़्यादा शॉक देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको टच कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप बॉडी के दूर से भी आपको अच्छा खासा जर्क फील हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी भी मेरे हाथ के अंदर पूरी झंझनाहट है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता दूँ। तो एक चीज़ दोस्तों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपल्स जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंपल्स जैसे आप किसी बॉडी के अंदर इसको टच करवाते हैं, तो यहाँ पर आप जो प्लेट्स देख रहे हैं जिनके अंदर गैप है दोस्तों, ये पाथवे कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप किसी बॉडी के पास में इसको टच करेंगे तो यहाँ पर सर्किट पूरा हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स उसके अंदर जनरेट कर देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अपनी जो बॉडी है वो एक रेस्पॉन्ड करती है शॉक के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन और माइंड जो अपना होता है दोस्तों, ब्रेन माइंड वो अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। सो जैसे ही आप इसको किसी की बॉडी पे टच करवाते हैं तो अपने न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरॉन्स तुरंत दोस्तों यहाँ पर मैसेज देते हैं अपने ब्रेन को कि कुछ ऐसा हजार्डस है जो कि आपकी बॉडी को टच हुआ है। तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। दो ही आप यहाँ पर दोस्तों एक्शन करेंगे, या तो आप अपना हाथ पीछे की तरफ खींचेंगे, या फिर आप अगर नहीं खींचेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स ना काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो जाएंगे, यानी वो इधर उधर भागेंगे, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हैंड जो है दोस्तों फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए वहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं इसको फील नहीं कर पा रहा। बट एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, 9 वोल्ट की बैटरी के साथ आता है ये जो पूरा प्रोडक्ट है। बट ये क्या करता है दोस्तों, शॉक वेव इसके अंदर कंडेंसर इतने ज्यादा होते हैं कि इतने ज्यादा इसको दोस्तों हाईटेक कर देता है, इतने ज्यादा इंपल्सिव कर देता है यहां पर वो कंडेंसर, कि इतने ज्यादा एक साथ जब शॉक के साथ ये कंडेंसर जब बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है तो बहुत तगड़ा झटका यहां पर बॉडी के अंदर जनरेट होता है। तो यहां पर ये जो शॉक देता है दोस्तों, 9 मिलियोम्स का शॉक देता है।
तो यहाँ पर वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि शॉक बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पर लीथल नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, क्योंकि सडन इम्पल्स जनरेट करता है और सडन ही यहाँ पर ये दोस्तों रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देता रहेगा। अगेन मैं आपको इसका थोड़ा दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वियर साउंड और कंटिन्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोस्तों रिलीज कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इसको सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ही यूज़ कीजिएगा, हम बिल्कुल भी प्रमोट कर नहीं करते हैं कि आप इसको किसी को अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए यूज़ करें, ये चीज़ प्लीज़ आप मत करिएगा, हम नहीं चाहते हैं, हम ना ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि आप दोस्तों किसी अपने मजाक के लिए या बेवजह किसी जानवर या किसी भी इंसान को आप परेशान करने के लिए यूज़ करें। आप प्लीज़ इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा झटका देता है, अभी भी मेरे हाथ के अंदर पूरे हैंड के अंदर दोस्तों झंझनाहट है। यहाँ पर मेरा जो ये वाला एरिया है कंप्लीट अभी भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल झंझनाहट फील हो रही है मुझे, इवन मेरी जो पाल में दोस्तों उसके अंदर स्वेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सडन जो इम्पल्स गई है दोस्तों उसकी वजह से मेरा जो पूरा न्यूरॉन सिस्टम है भी कुछ देर के लिए बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, इसका जो वेट निकल के आता है 200 grams to 250 kg यहाँ पर इसका वेट निकल के आता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, मार्केट के अंदर इसके काफ़ी कॉपीज़ हैं तो यहाँ पर प्राइस स्लाइटली थोड़ा वेरिएट कर सकता है उसी अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर दोस्तों बैटरी अच्छी नहीं होगी तो आपका ये गैजेट जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, बट यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट है काफ़ी प्रीमियम है, इसका जो बैटरी है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसको आपको जब इनिशियली अगर आप बाय करते हैं हमसे तो आपको यहाँ पर 12 आवर के लिए कंटिन्यू यहाँ पर दोस्तों अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा के रखना है। वो रखना क्यों है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो अच्छी यहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाली है। तो वो चीज़ आप देखिएगा, जितना अच्छा आप इनिशियल इसको चार्ज करेंगे, तो अगर आप कोई भी बैटरी दोस्तों यहाँ पर यूज़ करते हैं, लाइक आप किसी भी गैजेट्स के अंदर फर्स्ट टाइम अगर आप बैटरी चार्ज करें तो उसको लंबे टाइम तक चार्ज करिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा मिलने वाला है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सिर्फ इसी टॉर्च के लिए नहीं है। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी। और यहाँ पर कॉपी वन भी काफ़ी सारी आती है, यहाँ पर आप जब इसको हाथ में लेंगे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगी। यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों चीप प्रोडक्ट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंटली कभी बटन प्रेस हो जाए तो आप यहाँ पर पीछे की तरफ से इसको ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पर ये वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पर जब आप इसको पीछे की तरफ कर देंगे, यहाँ पर तीन सेटिंग्स मिलती है, ऑफ, मिड, और दोस्तों जैसे ही आप आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर टॉर्च जलेगा। पीछे की तरफ आप जैसे ही रखेंगे तो आपका यहाँ पर जो गन है वो रेडी रहेगा बट शॉक नहीं देगा। जैसे आप इसको पीछे करेंगे, ये देखिए, आप इसको यहाँ पर पीछे की तरफ से भी ऑफ कर सकते हैं, तो आपको दो सेफ्टी यहाँ पर मिलने वाली है ताकि दोस्तों एक्सीडेंटली ना आपको शॉक लगे ना किसी और को लगे। तो आप यहाँ पर जब इन सभी सेफ्टी फीचर्स को यहाँ पर ऑन कर देंगे उसी के बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसको केस के अंदर कैसे कैरी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट वगैरह के ऊपर आप कैरी कर सकते हैं। वुमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, सेल्फ डिफेंसिव के अंदर तो आपको दोस्तों सामने वाले के साथ लड़ना पड़ता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसकी आवाज़ सुन के दूसरा भाग जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको केस मिलता है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको कहीं भी कैरी कर पाएंगे इस केस के साथ। चार्जिंग केबल जो मैंने बताई दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके की चार्जिंग केबल मिलने वाली है। पीछे की तरफ से आपको इसको इस तरीके से कनेक्ट करवा देना है, यहाँ पर रेड कलर का लाइट ऑन हो जाएगा, इसका मतलब आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको एक शैक भी मिलता है, इससे आप इसको कहीं भी हुक करके रख सकते हैं। अगर आप दोस्तों प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाइए और यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो आप हमें मैसेज करिए। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर COD फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, आपको प्री पेमेंट करना होगा क्योंकि हम delivery.com से भेजते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों COD हम देते हैं तो उसके अंदर 10-20% एक्स्ट्रा देना होता है कुरियर कंपनी को, जो कि दोस्तों ना वर्थ इट आपके लिए ना हमारे लिए, बट आप ट्रस्ट रखिए दोस्तों आपको आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली मिल जाने वाला है। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है इनकेस अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है। जो चीज़ हम आपको वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं उससे अगर दोस्तों कम कुछ आपको मिलता है तो डैम श्योर हम आपका रिप्लेस करके देंगे। यहाँ पर हम आपसे कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं लेंगे कुरियर का, बट दोस्तों हम यहाँ पर कंप्लीटली चेक करके भेजते हैं, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। बट आप अगर ये कहते हैं कि नहीं हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या प्रोडक्ट हमारा दोस्तों मतलब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम अब नहीं रखना चाहते, तो वो चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर शॉक वेव आप कहते हैं कि नहीं हमें सफिशिएंट नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आपको डेफिनेटली रिप्लेस कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहूँ क्योंकि वो कंसर्न हमारे लिए भी है, क्योंकि हम जब कुरियर भेजते हैं तो अननेसेसरी का कुरियर हम पे भी लगता है, तो हम यहाँ पर पहले कुरियर को दोस्तों प्रोडक्ट को चेक करके भेजते हैं कुरियर के अंदर, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह के रिगार्डिंग आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ दोस्तों ट्रैकिंग स्लिप्स भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर इनको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को पहुँचाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋषिकेश से पैन इंडिया हमने यहाँ पर डिलीवर किया है, जो बार कोड के नीचे है दोस्तों ये ट्रैकिंग नंबर। आप delivery.com पर जाइए, DLHIVERI.com, और वहाँ पर जैसे आप ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कैसे पार्सल यहाँ पर गया है, सब कुछ आप देख सकते हैं, कोई फ्रॉडबाजी बिल्कुल भी नहीं है 1% भी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है दोस्तों।
एंड अगर प्राइस वगैरह के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, जैसा कि आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, करंट प्राइस क्या रहने वाला है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मार्केट का ना प्राइस वेरी करता रहता है, डिपेंड ऑन कि आप कब वीडियो देख रहे हैं। तो उस टाइम दोस्तों आप अगर आप 6 महीने बाद इसी प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे तो सेम नहीं रहने वाला, डैम श्योर है, क्योंकि लॉट पर डिपेंड करता है और मार्केट का उस वक्त प्राइस क्या है, तो वो सब उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। करंट प्राइस में उस टाइम का जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लिमिटेड पीस ही हमारे पास अभी आए हुए हैं, 10 पीस के समथिंग हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है। अगर आप ये बाय करना चाहेंगे तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करिएगा जैसे मैंने बताया था। और दोस्तों हम यहाँ पर प्रोडक्ट आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं। और चीज़ मैं आपको एक बता दूँ दोस्तों, जो इसका साइज़ है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी पाम से आइडिया ले सकते हैं इसका साइज़ क्या होने वाला है। तो इसका जो साइज़ है तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब इसका साइज़ होने वाला है, काफ़ी स्टडी है। वेट मैंने आपको बताया 200 ग्राम्स के समथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पार्क जनरेट कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर टॉर्च और यहाँ पर आपका दोनों एक साथ वर्क नहीं करेंगे, लाइक आपका शॉक देते टाइम टॉर्च वर्क नहीं करेगा, बेसिक सी बात है। यहाँ पर मैंने टॉर्च ऑन किया और यहाँ पर हमारा शॉक रेडी है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लिप्स भी दिखाता हूँ दोस्तों। इस क्लिप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये शॉक वेव जनरेट करता है। तो भी देखिए आप, इससे इसको जो हम स्लो मोशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन इसको जो है बहुत लगा, तो इसको बिल्कुल भी पता था क्या होने वाला है। तो आप इसका एक्सप्रेशन देखिएगा, और इसको जो है हमने फर्स्ट हल्का सा शॉक लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, ज़्यादा लगाते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको जो है वो शॉक दिखाई देता है। तो ये जो है डिफरेंस होता है। Mostly because of the sound. आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी को भी शॉक लगते हुए बिल्कुल दूर भाग खड़ा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।